चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं क्लास 8 का साइंस, जिसमें नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे फ्रिक्शन, चैप्टर नंबर 12। इसमें हम लोग को आज पढ़ना है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आज, फ्रिक्शन क्या होता है। ठीक, तो जैसा कि आप जानते हैं फ्रिक्शन जो हमारा होता है, जैसे सपोज डेट कि आप साइकिल से जा रहे हो किसी रोड पर और आप साइकिल का पैडलिंग मारना छोड़ दिए, तो आप ये देखोगे कि आपके स्पीड जो होता है धीरे धीरे स्लो होता जाएगा और एट लास्ट आप जो है साइकिल इतना स्लो हो जाएगा कि अगर आप केयरफुल नहीं रहे तो आप गिर भी सकते हैं। इसका मतलब कि जब हम साइकिल से मोशन करते हैं तो अगर हम पैडलिंग न लगाएं तो हमारे साइकिल का स्पीड स्लो होता रहता है। और आप पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं फोर्स वाले चैप्टर में कि कोई फोर्स ही ऐसा होता है जो किसी बॉडी को स्पीड को चेंज कर सकता है या फिर उसके स्पीड को क्या कर सकता है, वो इंक्रीज कर सकता है, डिक्रीज कर सकता है ना। तो जब हमारे साइकिल की स्पीड का डिक्रीजमेंट हो रहा है, इसका मतलब कि इसके ऊपर कोई ना कोई ऐसा फोर्स जरूर लग रहा है, भले वो फोर्स हमें दिखाई दे या ना, जो हमारे स्पीड को क्या करता है, स्लो करता है। दूसरा एग्जाम्पल मान लीजिए, यहाँ पर कोई हैवी बॉक्स रखा हुआ है, सपोज दैट कि यहाँ पर कोई हैवी बॉक्स रखा हुआ है, ठीक ना, और आप उस बॉक्स को पुश करना चाहते हैं, उस बॉक्स को जो है आप सपोज दैट पुश करना चाहते हैं, दो लोगों को एफ फोर्स लगा के पुश कर रहे हैं, अब बॉक्स हिल नहीं रहा है, मतलब कि हमने जो फोर्स लगाया कोई ऐसा है जो हमारे फोर्स को बैलेंस कर दे रहा है, उसका इफेक्ट ही इसके ऊपर नहीं पड़ रहा। मैंने फोर्स लगाया बॉक्स में, और फोर्स लगाया वो भी तो भी नहीं मुड़ा, उसको भी कोई बैलेंस कर दिया, और फोर्स लगाया फिर भी नहीं मुड़ा, उसको भी कोई बैलेंस कर दिया। तो वो जो फोर्स होता है जो बैलेंस करने वाला होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होता है और उसी को हम बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। क्या होता है वो फ्रिक्शन फोर्स? वो फोर्स कहाँ से लगता है? तो अगर हम साइकिल चलाते हैं तो अर्थ के द्वारा साइकिल के पहिए पर लगता है, जो पहिए की स्पीड को धीरे 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 विक्स के जो है स्पीड उसका स्लो करता जाता है और एट लास्ट उसको रोक देता है। इस केस में भी फ्रिक्शन लगता है, बॉक्स के और ग्राउंड के बीच जो सरफेस होता है, जब दो सरफेस एक दूसरे के कंटेक्ट में आता है तो दोनों कंटेक्ट में आने के चलते फोर्स लगता है, जो फोर्स क्या आता है हमेशा जो है मोशन का अपोज करता है, जिधर मूव करेंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, मोशन इधर कर रहे हैं तो फ्रिक्शन इधर लगेगा, तभी तो उसके स्पीड को कम करेगा, उसी डायरेक्शन में लगेगा तब तो स्पीड उसका बढ़ा देगा। तो इसलिए जो फोर्स का फ्रिक्शन का जो डायरेक्शन होता है क्या होता है, मोशन के अपोजा हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो हम कह सकते हैं कि फ्रिक्शन जो होता है द फोर्स विच एक्ट अपोजिट डायरेक्शन, फोर्स ऑलवेज अपोज द मोशन ऑफ द बॉडी, हम कह सकते हैं कि फोर्स विच अपोज द मोशन ऑफ बॉडी, फोर्स विच अपोज द मोशन ऑफ बॉडी व्हेन टू ऑब्जेक्ट इन कॉन्टैक्ट, टू ऑब्जेक्ट इन कॉन्टैक्ट, फोर्स विच अपोज द मोशन ऑफ बॉडी व्हेन टू ऑब्जेक्ट इन कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं, जो हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। फ्रिक्शन जो होता है हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। डायरेक्शन ऑफ फोर्स कर सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। मोशन के डायरेक्शन के हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, तभी तो वो मोशन को क्या करेगा, अपोज करेगा, तभी तो उसके स्पीड को क्या करेगा, वो कम करेगा, रिड्यूस करेगा, और रिड्यूस करता भी है। इसीलिए जो है इसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। जब भी कोई ऑब्जेक्ट फोर्स लगाता है तो हमेशा जो है उस पर क्या करता है, अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है, जिसके चलते उसकी स्पीड को क्या करता है, वो स्लो करता जाता है, और बार बार हमें साइकिल पर पैडलिंग करनी पड़ेगी, पैडलिंग नहीं करेंगे
तो साइकिल की स्पीड हमारा क्या होता है, स्लो हो जाता है और अल्टीमेटली हम क्या कर सकते हैं, साइकिल ऑब्जेक्ट कोई भी ऑब्जेक्ट टूट जाता है। ठीक ना, अब हम देखेंगे कि कॉजेज ऑफ द फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के क्या कारण होते हैं। तो जो फ्रिक्शन का मोर जो कॉजेज होता है वो इंटरलॉकिंग ऑफ द इरेगुलरिटी ऑफ द सरफेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट विच दे आर इन कॉन्टेक्ट। अगर दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आते हैं, आप देखते हो कि जब दो ऑब्जेक्ट को ऐसे देखोगे तो लगेगा कि वो उतना जो है इंटरलॉकिंग नहीं होता है, एक दूसरे से उतना जो है खुरदुरा नहीं होता, इरेगुलर नहीं होता, लेकिन जो दो ऑब्जेक्ट जब एक दूसरे के संपर्क में आता है तो ऑब्जेक्ट का जो सरफेस होता है कुछ इस तरह बना रहता है, उसके बीच जो होता है ऐसे रफ सरफेस होता है, दो ऑब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट यह है तो इसके बीच जो भी कुछ इस तरह का रफ सरफेस बना रहता है, और इसी रफ सरफेस के चलते जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के बीच में आता है तो इन दोनों के बीच जो है इंटरलॉकिंग लग जाता है। यहाँ पर इंटरलॉकिंग दिखाया गया है, ये जो इंटरलॉकिंग होता है एक दूसरे के बीच इस तरह करने से एक दूसरे के बीच ऐसे जो होता है इंटरलॉकिंग लग जाता है, और इसी के चलते फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है बढ़ जाता है। दो ऑब्जेक्ट दूसरे के संपर्क में आता है तो इन दोनों फोर्स का जो सरफेस, इसका सरफेस और इसका सरफेस जब कॉन्टैक्ट में आता है तो फोर्स की भी जो इरेगुलरिटी होती है, इरेगुलरिटी के दोनों एक दूसरे को क्या होता है इंटरलॉकिंग करते हैं, इसलिए उसको मूव करने के लिए ज़्यादा फोर्स की जरूरत पड़ती है, और वही जो होता है स्पीड को बार बार क्या करता है रिड्यूस करता है, रोकने की कोशिश करता है, और उसी फोर्स को हम बोलते हैं फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन। तो हम कह सकते हैं कि फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन इज ग्रेटर इफ वेरी रफ सरफेस आर इन्वॉल्व। अगर रफ सरफेस अगर वेरी रफ होगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ग्रेटर होगा। तो हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ग्रेटर व्हेन सरफेस इज इरेगुलर और रफ इरेगुलर या रफ सरफेस होगा, सरफेस जो होता है हमारा इरेगुलर है या सरफ, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा लेस होता है कब, जब सरफेस इज क्या हो शाइनिंग हो या प्लेन सरफेस हो, शाइनिंग हो तो उस समय जो होता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन में क्या आता है कम होता है लेस होता है, यानी फिक्स फ्रिक्शन जो इरेगुलर सरफेस पे ज़्यादा होता है, रेगुलर सरफेस होगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम होता है। ठीक ना, इस तरह हम कह सकते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमारा वो ऑब्जेक्ट होता है जो किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को क्या करता है अपोज करता है, उसको रोकने की कोशिश करता है, और वो क्यों कारण होता है, क्या कारण होता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का मेन कारण आपका ये होता है जो कि इरेगुलरिटी ऑफ द सरफेस, सरफेस के इरेगुलरिटी जिसको बोलते हैं खुरदरा होता है। अर्थ पर जाते हैं तो देखते हो अर्थ और साइकिल के टायर के बीच में गड्ढे बने रहते हैं छोटे छोटे, और अर्थ के बीच क्या होता है इंटरलॉकिंग लग जाता है, और साइकिल जब जाता है तो इसकी स्पीड धीरे धीरे स्लो होती रहती है, या किसी डेस्क पर रखते हैं तो हमारे डेस्क बैग में भी कहीं ज़्यादा इंटरलॉकिंग होता है और खुरदरा होता है जो हमेशा उसको रोकने की कोशिश करता है, इसलिए जो फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है रुकता रहता है, फ्रिक्शन जो होता है फोर्स की स्पीड को रोकता रहता है ना। तो ये रहा हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ पढ़ेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग द फ्रिक्शन, ऐसा कौन सा फैक्टर है जो फ्रिक्शन को क्या करता है अपोज करता है, यानी फ्रिक्शन किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है, ये हमें पढ़ना है नेक्स्ट वीडियो में।